पथरी लास्ट स्ट्रीट पे, बस यहाँ से नीचे ना अपना दरिया ही है उस तरफ। अभी फाइनली हम कर रहे हैं घोड़ा राइड और अभी जाना है हमको पैराग्लाइडिंग के पास। ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए हमारा चैनल आरिफ रजी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और आपकी सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई गेस करो अभी हम कहाँ होंगे। भाई लोग अभी हम जा रहे हैं दूध पथरी और पहुँचे हैं जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ना दूध पथरी का, जहाँ पे अपने को नमकीन चाय सोमवार की और साथ में मक्की की रोटी मिलती है। गाड़ियाँ लगी हुई हैं पीछे और एक गाड़ी हमारी पीछे अभी आ रही है, उसका वेट हो रहा है और फिर यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं ऊपर दूध पथरी का कैसा नजारा रहता है। अलाउद्दीन भाई कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मामू, बहुत ज्यादा अच्छा। फाइनली हम चाय पी के निकल गए यहाँ से और अब हम यहाँ से लेंगे टिकट क्योंकि पर्ची मिलेगी अपना टोल टैक्स और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट जहाँ प्रॉपर दूध पथरी है वहाँ पे। अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है तकरीबन है, पर जो यहाँ के मोड़ है ना उनका मजा ही अलग है वहाँ पे ड्राइव करने का, थोड़ी जिग जैग में और पूरा टॉप वाली यार, पूरी जैसे चढ़ाई नहीं होती अपनी। अभी सामने मोड़ देख लो भाई कितनी चढ़ाई आ रही है, बस प्यार से गाड़ी थोड़ी सी अगर ना ऐसा वैसा कुछ किया तो जान जाओगे कि भाई पलट गई गाड़ी अपनी। यहाँ से ना स्नो का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत खूबसूरत लगने वाला है भाई अपने। और ये देखो देख के बताइयो एक बार कैसी लगी ये जगह। लास्ट पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे, अभी यहाँ पे एक नदी है उसके पास जाना होगा तो वहाँ पे नहीं रुकना है, सीधा आगे ही आना है। घोड़ा राइड जो है ना अपने को यहीं पे मिलेगी। फाइनली हमारे साथ जो मेहमान थे उन सबको बिठाया हमने घोड़े पे और एक ऐसी जगह है जिनको, और ये हमारी प्यारी आंटी, कैसा लग रहा है घोड़े पे बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। ये अपने सलीम भाई, सलीम भाई अभी आपके लिए घोड़ा नहीं आया? नहीं घोड़ा आने का गए बंदा लाने। अच्छा अब इनके लिए भी इंतजाम हो रहा है, सबको बिठाएंगे घोड़े पे और यहाँ से राइड करेंगे दरिया के पार, दूध पथरी लास्ट स्ट्रीट पे, बस यहाँ से नीचे ना अपना दरिया ही है उस तरफ। अभी हरियाली नहीं, जब हरियाली होगी तो फिर यहाँ पे जाने का बहुत मजा आएगा, अभी दरिया के उस तरफ जाना तो मेरे ख्याल से बेकार रहेगा। अलाउद्दीन भाई कैसे लगा दूध पथरी आके? बहुत बहुत अच्छा लगा और खूब मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग पूरी फैमिली के साथ में और घोड़े पे बैठने पे भी बहुत मजा आया। तो अभी आप घोड़ सवार कर रहे हो? जी जी जी, अब यहाँ से फिर घोड़े पे बैठेंगे फिर जाके जो फिर दूसरी दूसरी स्पॉट पे जाएंगे। तो यानी गुलमर्ग अच्छा लगा सबसे ज्यादा? ये मेरे को गुलमर्ग से अच्छा यहाँ पे लगा क्योंकि यहाँ पे सफाई साफ सुथरी बहुत बहुत जगह प्लेस वगैरह है, अच्छा देखने के लिए व्यू भी है बहुत सारा। हम जा रहे हैं यहाँ से वापस और करेंगे अभी घुड़सवार और उसके बाद जाएंगे हम क्या करना है और क्या करना है आपको? पैराग्लाइडिंग करनी है तो उसके पास जाएंगे। फाइनली हम कर रहे हैं घोड़ा राइड और अभी जाना है हमको पैराग्लाइडिंग के पास। मैंने खुद भी था घोड़े की राइडिंग कर ली है और अभी जो है वो लोग आगे गए हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पास क्योंकि यार गाड़ी लेके जाना है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग है ना रोड के साइड पे, वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जानी है। वापस और हमारा टूर जो है तकरीबन बहुत खुशगवार रहा, अच्छा रहा। बाकी आप देख सकते हैं व्यू जो है साइड का कैसा है, कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है अभी दूध पथरी का क्योंकि काफी खूबसूरत लग रहा है। फाइनली अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ दूध पथरी से और अब जाएंगे डायरेक्ट, हमने टूलिप गार्डन देखना तो उसके लिए जाना जरूरी है, लोगों को दिखाना है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बनी रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।